हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय क्चर्स आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिधत अब्बास स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने चैप्टर 14 इंटरनेशनल रिलेशंस बोस्निया की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हुए खत्म किया था आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था कि हम बोस्निया की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे थे लुक एट द मैप एंड यू कैन जस्ट रिवाइज द लोकेशन एक दफा इसको गौर से देख लीजिए Now, Bosnia may after World War I kya wa Slovenia, Croatia, or Bosnia itself. Three different small countries they joined to form Yugoslavia. In teen chote countries, ne Milke Yugoslavia form liya After World War II, since Germany was one of the allies, Germany took this region. But there was uprising. There was a communist leader whose name was Joseph Tito. He took control over the region. जो लोकल लोग लोग थे उनके साथ मिलके ही control कंट्रोल ओवर द रीजन फ्रॉम द जर्मनी में, what में that हैपन दीज कंट्रीज up अगेन अब आप यहां देखिए 1980 में जब ये कंट्रीज ब्रेक किए तो दे ब्रोक into Slovenia, स्लोवेनिया क्रोशिया मैसेडोनिया and एंड ये बार बार जुड़ना और देन ब्रेकिंग ऑफ द कंट्रीज दिस लेड टू अलॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग द पीपल और वैसे भी इस तरह पोलिटिकल डीमार्केशन बार बार होना इसका क्या इफेक्ट आता है कंट्री की पोलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है हाउएवर दे सर्बिया एंड मोन्टेनेगरो स्टिल रिमेन्ड एंड कंबाइंड टू फॉर्म योगाविया तो अब दो साइड हो गई एक में ये पांच छोटे कंट्रीज

बात देखी थी कि जब बॉजनिया जोग्राफिकली लोकेशन पे आया था तो उसमें बाल्कन नेशन पर सेटल डाउन दे वर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नैशनैलिटीज एंड डिफरेंट रिलीजन जिसमें मुस्लिम रोमस क्रिस्चन कैथलिक्स देर ऑल अ पार्ट ऑफ इट सो ये जो अपराइजिंग्स थी ये सिर्फ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नहीं थी ये उन नेशंस की या उन कल्चर्स की और उन डिफरेंट आइडेंटिटीज की आपस में भी वॉर्स थी बिकॉज दे केपट ऑन फाइटिंग ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे लेकिन उसका जो इफेक्ट आता था ना वो ऑन अ लार्ज स्केल पूरे कंट्री पे आता था सो जब ये फाइट हुई और दे टुक द शेप ऑफ अ वॉर थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम अल्बानिया अल्बानिया जो था उसमें से थाउजेंड ऑफ मुस्लिम वो किल्ड इनफैक्ट देसिक बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुई थी देन इन 1999 नाइन के हालात वैसे ही रहे खराब रहे छोटी मोटी जो झड़पें हैं छोटी मोटी जो फाइट्स हैं वो कंटिन्यूड uh, रही 1999 में नैटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने दे लॉन्च हैवी बॉम्बिंग रेड्स ऑन योगलाविया बिकॉज ऑफ इट्स ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम इस ऑर्गेनाइजेशन ने पे बॉम्बिंग रेड्स कर दी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो देख रहे थे कि मुस्लिम्स को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है All these and or killings, इन सब में नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमानों का हो रहा था एज अ रिजल्ट अब जैसा कि आप मैपे देख सकते हैं जो योगिया की अबेंट कंडीशन है इट टूक फॉर्म एक्चुअली आफ्टर नाइनटीन नाइनटी अब इसके दरम्यान में बॉजनिया का जो प्रेजिडेंट था उसका नाम था माइलोसेविक दिस मैन वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ह्यूज ब्लड शेड यह जितनी भी तबाही हुई जितना भी खून खराबा हुआ इसका रिस्पॉन्सिबल ये आदमी था इस आदमी को टू थाउजेंड एंड टू में कैप्चर कर लिया गया ये पकड़ा गया उसके बाद चार साल इसके ऊपर ट्रायल चली जस्ट टू प्रूव हिम गिल्टी एंड जस्ट टू शो दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड इसको सजा नहीं दी जा सकी क्योंकि दो हजार छ में इसकी नेचुरल डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक उसके बाद से बॉसिया के हालात पीसफुल हैं छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे रहती हैं लेकिन हाउ एवर देर हैज नॉट बीन अज वॉर और अवज अपराइजिंग इन दैट एरिया अब तक हम बात कर चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन में अबाउट पैलेस्टीन इशू अबाउट बॉजनिया अबाउट गल्फ रीजन नाउ वीर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शल कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन अ पीस ऑफ लैंड विच इज नोन एज कश्मीर ये जो इंटरनेशनल रिलेशन का व्यू है इट इज डिस्कसिंग हाउ कॉन्फ्लिक्टव बीन डेल्ट इन द हिस्ट्री टिल टूडे बाई सेवरल कंट्रीज इसीलिए इस चैप्टर को इंटरनेशनल रिलेशन कहा गया है ये जो कंट्रीज हैं ये एज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग टू साइड्स साइड जैसे दो साइड्स बन जाएं और उनके दरम्यान जो फाइट हो बट ओवर अ पीस ऑफ अ लैंड अनफॉर्चुनेटली दीज पीसेज ऑफ लैंड कंट्रीज वर ट्रीटेड एज एंड हैव बीन ट्रीटेड एज कॉन्फ्लिक टिल टूडे अब हम देखते हैं कश्मीर को कश्मीर वॉज माउंटेनियस अनकल्टिवेटेड रीजन एंड इट हैड सेवरल एग्रीकल्चरल वैलीज जरखेज जमीन जिसके ऊपर कभी भी कल्टिवेशन नहीं की गई और बहुत खूबसूरत इलाका इट रिमेंड पार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम किंगडम्स फॉर फाइव हंड्रेड ईयर्स अनटिल नाइनटीन्थ सेंचुरी पांच सौ साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही इस हिस्से पे जब ये सगीर का हिस्सा था फिर नाइनटीन सेंचुरी में इट वॉज सीज बाई अफगानस जब अफगान रेज करते फिर रहे थे सारे खत्ते पे तो उन्होंने इस हिस्से को इस जमीन के टुकड़े को अपने कब्जे में कर लिया 1847 में हिंदू किंगडम ऑफ डोगरा उन लोगों ने अफगान से ये लैंड वापस कौन कर कर ली Now, अब जब वी कम टू 1947, फोर्टी सेवन जहां ब्रिटिश एम्पायर थी ब्रिटिश वो प्रवेलिंग, और पूरा बड़े सगीर ब्रिटिश से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश में और फाइट में लगा हुआ था वहां दिस पीस ऑफ लैंड हैड प्रिंसली स्टेट्स। इस हिसे के ऊपर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि ना उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा थी ना इंडिया का हिस्सा थी तो ब्रिटिश ने क्या किया कि ऑन पार्टीशन जब वो पार्टीशन प्लान पास कर रहे थे उन्होंने ऑफर किया दे ऑफर्ड थ्री स्टेट्स उन्होंने तीन चॉइसेस दी प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने कहा या तो आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं या इंडिया का या आप इंडिपेंडेंट रहें मतलब आप अपनी खुद मुख्तियार एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लें उस वक्त जो महाराजा था कश्मीर का वो था सर हरी सिंह इसने वैसे तो चूज किया इंडिपेंडेंट रहना लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और वो ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विच वॉज सेवेंटी फाइव परसेंट वॉज अब जो रूलर था उस एरिया पे वो एक हिंदू था और जो उसके अंडर लोग थे वो पचहत्तर परसेंट मुसलमान थे मुसलमानों ने आवाज उठाना शुरू की थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे और उधर से जो पश्तून ट्राइब्समैन हैं पश्तून ट्राइब्समैन इन्होंने इस इलाके को इन्होंने इस इलाके में एंट्री करना शुरू कर दी जाहिर सी बात है एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया द रूलर वॉज ऑबली प्रेसराइज टू गिव द डिसीजन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ डिस इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए जाहिर सी बात है जिस जगह पे वो लोग रहते हैं जो उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है वो लोग यही चाहेंगे कि वो उस मुल्क का हिस्सा बने जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे बिकॉज पार्टीशन पे मुसलमानों के एरियाज को इकट्ठा ग्रुप कर दिया गया था इन फॉर्म ऑफ पाकिस्तान और जो हिंदूज थे दूसरी माइनॉरिटीज थी उनको इंडिया में डिवाइड कर दिया गया था सो अंडर द प्रेशर ऑफ दीज टू फैक्टर्स हरी सिंह ने ही साइंड टू ज्वाइन इंडिया अब वेन ही साइंड टू ज्वाइन इंडिया दिस इवेंट वॉज एंटिसिपेटेड उस वक्त के जो लोग थे जो ब्रिटिशर्स थे या जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग थे उन लोगों ने इस इवेंट को एंटिसिपेट किया हुआ था उनको अंदाजा था कि इस किस्म की कोई ना कोई हरकत जरूर होगी बिकॉज गुरदासपुर जो मुसलमानों का रीजन था उसको इंडिया को दे दिया गया था सो दे डिड वॉज कि जब वो हिस्सा इंडिया को दे दिया गया तो साथ में चार रिवर्स अगर आप मैप पे देखें तो आपको जो पाकिस्तान के पांच रिवर हैं रावी सतलज ब्यास चनाब जेहलम इनकी लोकेशन नजर आएगी ये सब कश्मीर के हिस्से से इस एरिया से नीचे फ्लो करते हैं टूवर्ड्स तो पाकिस्तान अगर ये हिस्सा इंडिया को चला जाएगा तो इंडिया वुड बी बे बेटर एबल टू तो कंट्रोल द वॉटर फ्लो फ्रॉम दीज रिवर्स तो जो वाटर फ्लो है जो बहाव है पानी का वो इंडिया कंट्रोल कर सकेगा तो इस तरह जो पानी पाकिस्तान में आना है उसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल हो जाएगा सो so, ये उनकी प्लानिंग थी इसके पीछे 47 गुजर गया पार्टीशन हो गई 48 49 व्हाट नाइन हैपन के जब हरी सिंह ने साइन कर दिए तो इंडियन ट्रूप्स ने आके अपना कब्जा कर लिया उस जगह पे पाकिस्तानियों से ऑब्वियसली मुसलमानों की वजह से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई सो अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1948 एंड 49, नाइन ब्लड शेड शुरू हुआ ऑलरेडी पार्टीशन की वजह से बहुत सारे जो हैं लोग मारे जा, जा चुके थे यू एन नेशंस नेशन्स दे केम इन एक्शन उन लोगों ने दखल की दोनों मुल्कों के दरमियान और सीज फायर अरेंज किया कि दोनों अपने हथियार डाल दें और वॉर को खत्म कर दें हाउ एवर डे फेल टू अचीव विदड्रॉल ऑफ ट्रूप्स और होल्डिंग ऑफ अ प्लेबिसाइट अपनी दखल अंदाजी के बावजूद वॉर तो रुक गई लेकिन यू एन नॉट रीच अ डिसीजन ना वो वहां से इंडियन ट्रूप्स को वापस भेज सके बिकॉज उनके कहने पर इंडियन ट्रूप्स वापस गए नहीं और ना एक प्लेबिसाइड हो सका प्लेबिसाइट इज बेसिकली वोटिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया वहां पे जो लोग रह रहे थे उनको वोटिंग करने के लिए कि वो चूज कर लें कि वो किस जगह पे रहना चाहते हैं और जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा उसको फॉलो करके कश्मीर को पाकिस्तान या इंडिया उसके हवाले कर दिया जाएगा बट यू का ये रेजोल्यूशन और यू एन का ये सलाह ना पाकिस्तान ने मानी ना इंडिया ने मानी फिर अ लाइन ऑफ कंट्रोल वॉज ड्रॉन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अ लाइन ऑफ कंट्रोल वॉज ड्रॉन विच इज स्टिल नोन एज लॉक जिसने डिवाइड कर दिया पाकिस्तान कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान 1962 में चाइना इनवेडेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जब उन्होंने इन्वेड किया तो ऑब्वियसली उसका एक रीजन था आप मैप पे देखें आपको बाउंड्री बता देगी कि वो सिर्फ अपना मैप अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन स्ट्रेट करना चाह रहे थे इसलिए चाइना ने यह हमला किया था हाउ देवर सो फियर्स और उनके पास इतनी ज्यादा जदीद तकनीक थी कि इंडियन ट्रूप्स को हार मान के वहां से विड्रॉ होना पड़ा जब वो वहां से निकल गए तो चाइना ने जो हिस्सा अपने कब्जे में किया उसको उन्होंने नाम दे दिया अक्साई चिन अब कश्मीर अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट अभी तक उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया क्योंकि वॉर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने का सही तरीका नहीं है उट सेबर सिक्सटी फाइव में इस ने बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर ली एज अगेन यू एन इंटरवीन वन यू एन इंटरवीन अज साइंड उजबेकिस्तान जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी फोर्सेज वहां से विद्रॉ कर ली हाउे कॉन्फ्लिक सेटल डाउन नहीं हुआ लेकिन वहां पर थोड़ा ठहराव आ गया सिचुएशन में

जब ये सिलसिला चलता रहा तो 1998 में बोथ साइड्स विच आई मीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन दोनों ने ऐलान कर दिया कि वी हैव टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स जब यह ऐलान किया गया तो जाहिर सी बात है दोनों साइड्स को ये समझ आ गया कि अब वॉर किसी भी तरह का कोई सलूशन नहीं है क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वॉर ब्रेकआउट होती है तो दोनों साइड्स पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी बहुत खून खराबा होगा बहुत लोग मारे जाएंगे जो कि शायद दोनों साइड्स अब नहीं चाहते थे क्योंकि अल्टीमेटली वॉर में या ऐसी इस तरह के कॉन्फ्लिक्स में हमेशा आम आदमी नुकसान उठाता है नाइनटीन में हाउ कारगिल दिस वॉज ए प्लेस इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां के लोगों ने पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ मिलकर इंडियन ट्रूप्स पे हमला कर दिया जब उन्होंने हमला किया तो ये छोटी मोटी झड़प बड़ी होके एक वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई और वॉर की शक्ल अख्तियार करने के बाद एट वीक्स तक यह वॉर चली अल्टीमेटली पाकिस्तान को वहां से अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने पड़े पाकिस्तान ने जब अपने ट्रूप्स वहां से विड्रॉ किए तो फिर हालात थोड़े ठहराव में आ गए कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं रहा सोल्यूशन को ही नहीं निकला However, जो भी सिचुएशन थी इट लेड टू विलेज इलेक्शन विच वपोज टू बी हेल्ड इन 2001 इन कश्मीर आज तक कश्मीर के इशू पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका जबकि पाकिस्तान और इंडिया ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पीसफुल मीन से लिया जाएगा लेट सी कि अब आने वाले सालों में इस डिस्प्यूट को या इस कॉन्फ्लिक को कैसे हैंडल किया जाता है Rest, students, if you still want to join with me, wait for the next lesson. Allah Hafiz.